आज हम बनाने वाले हैं कैबेज कैरेट रेसिपी समर का कूल कूल। जो लोग भी कैबेज नहीं खाते हैं वो लोग भी पसंद से खाएंगे, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। ये सब इसमें डालने के इंग्रेडिएंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कढ़ाई गरम हो गया है, 4 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे। मशकी दाल 1/2 टीस्पून, राई 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। हमारा बाजार थोड़ा रेड हो गया। अब हम प्याज करी पास डालिए, जो प्याज है हमारा प्याज थोड़ा गल गया है। अब हम इसमें मैंने मिर्ची नहीं डाला, ना सूखी मिर्च ना हरी मिर्च, हमने अलग से उसे कूट लिया है। ये कैबेज है, दो कैरेट है, ये कद्दूकस कर लिया, और ये है आधा नारियल। इसी में 5 हरी मिर्च डाल के मैंने कूट लिया। इस तरह मोटा मोटा नारियल को मिक्सी में भी बना सकते हैं, मगर मोटा मोटा रहना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, नमक 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून गया। हल्दी 1/2 टीस्पून, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची रहने से इसमें कैबेज में टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने हरी मिर्च कूट कर मिला लिया। या सूखी मिर्च भी डालना चाहे तो सूखी मिर्च भी आप कूट कर डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे कैबेज, एक छोटा कैबेज है ये पूरा। इस तरह हमने अच्छे से मिलाना है। कैबेज जो है इस तरह लंबा लंबा अच्छा बारीक पतला काटने से टेस्ट अच्छा रहता, और काटने के बाद एक बार धो लेने से उसका स्मेल जो है थोड़ा कम हो जाएगा। ये थोड़े टिप्स है इसके, जो नहीं खाते हैं वो लोग भी खाएंगे, देखिए आप होटल के जैसा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हाफ ग्लास डालने से कम हुआ तो फिर थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि कैबेज में भी पानी आएगा। अब इसमें हम, ये स्पेशल है ऐसा, लौंग 1/5 ऐसा डाल के छोड़ने से कैबेज का जो स्मेल है वो सब एकदम कवर हो जाएगा। इस तरह अब इसको 1-10 मिनट के बाद देखेंगे। फिर एक बार देखेंगे कैसा है। अच्छे से पक गया, फिर भी ये जो बच गया है पानी आधा ग्लास वो भी डाल देंगे और 1-10 मिनट छोड़ देंगे। कुकर में बनाए तो एकदम पूरा मस्के के जैसा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम इसी तरह थोड़ी देर पकाएंगे। अच्छे से बन गया है, अब हम डिश ऑफ कर लेंगे।
हमारा कैरेट कैबेज की रेसिपी रेडी हो गई है। इसमें आधा नारियल डाला है हमने, 5 हरी मिर्च, बस उतना ही खार इसमें बस है। अगर मिर्ची भुकनी बता रहे तो इतना टेस्ट नहीं रहेगा। ये सब मैंने इलेक्ट्रिक कुकर में खाना पका लिया था, तो उसके ऊपर मैंने स्टीम दे के रखा है। उस तरह रखने से खाने के लिए इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, और समर में इस तरह खाने से बहुत ही हेल्थफुल है। और कैबेज में, कैरेट में जो सी विटामिन है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स देता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।